ये है अभिषेक, ब्यावरा यूनिवर्सिटी में नीट के एग्जाम की तैयारी कर रहा है और साथ ही पार्ट टाइम जॉब भी करता है, लेकिन लॉकडाउन के समय बहुत ही मुसीबत में। अब बाकी की कहानी सारी यहीं पे सुनोगे क्या? हेलो हेलो, हाँ मकान मालिक बोल रहा था। मैंने कहा महीना पूरा हो गया, अपना पेमेंट कर दो अब नीचे आके। जी ठीक है भैया, मैं आता हूँ नीचे। जी भैया बोलिए। बोलना क्या है, महीना हो गया अपना पूरा, पेमेंट कर दो। भैया पैसे की इतनी दिक्कत है और लॉकडाउन चल रहा है तो पैसे अभी है नहीं, थोड़ा और टाइम दे दो फिर मैं देता हूँ आपको पैसे। ऐसा है कि महीना पूरा होने के बाद ना हम एक दिन का समय भी नहीं देते किसी के, लेकिन तुम मेरे पुराने किराएदार हो और हमेशा अपना किराया टाइम पे देते हो, इसलिए मैं मेरे भरोसे पे तुम्हें 5-10 दिन की और मोहलत दे रहा हूँ। लेकिन जैसे ही पैसे आए सबसे पहले मेरा हिसाब सुनिए, ठीक है? वरना रूम खाली कर दे। थैंक यू भैया। हेलो। हाँ भैया अभिषेक, क्या कॉलेज की फीस भरने की लास्ट डेट है, नींद नहीं क्या तू? क्या बात कर रहा है यार भाई? यार भाई मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या कॉलेज में मिलते हैं, पर दरअसल पैसे तो है ना फीस भरने के लिए। हाँ भाई मेरे पास है ना पैसे। नहीं भाई यार, मैंने नवीन से तो बोल दिया मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं। चलो राहुल को फोन लगा। हेलो, नहीं हो पाएंगे। चल ठीक है यार भाई, कोई बात नहीं, सुमित को फोन लगाता हूँ, शायद उसके पास तो होंगे पैसे। हाँ भाई सुमित, नहीं हो पाएंगे, बात नवीन से और पूछता हूँ, शायद उसके पास। हेलो। हाँ भाई अभिषेक। अच्छा उसी दिन पूछा था उससे, कितने चाहिए तुझे? हो जाएंगे, आके ले जाऊँ। खाने तक के पैसे नहीं और मैंने इससे पैसे छीन लिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मुझे इसकी मदद करनी पड़ेगी। गुलाम केड़े हाल में, जाने तो हो जाए।
अच्छा जा रहे हो क्या? अरे जाते जाते प्यारी सी कमेंट कर दो यार। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।